अजमेर से खुद को दिल्ली के बड़े संगठन का वाई श्रेणी प्राप्त महासचिव बताकर एक युवक की ओर से सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाए जाने का मामला सामने आया है। मुंबई से अजमेर तक सड़क मार्ग से पहुंचे युवक का नाम पुनीत सिंह चंडोक है और वो पत्नी और बच्चों के साथ दरगाह जियारत व ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के लिए अजमेर पहुंचा। पिछले 3 दिन से जिला पुलिस की ओर से पायलट वाहन और सशस्त्र जवान पुनीत की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात करा रखी थी। सीआईडी की स्पेशल टीम ने शक होने पर पुनीत के मेल को आइडेंटिफाई किया तो हकीकत सामने आई। पुनीत ना तो कोई बड़ा आदमी है और ना ही वाई श्रेणी सुरक्षा दिए जाने के लिए गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त है। संबंधित विभागों से जो ईमेल या पत्र पुलिस को भेजे गए हैं उनकी जांच की गई। अजमेर की दरगाह पुलिस पुनीत से पूछताछ कर रही है। जांच में सामने आया है कि पुनीत के साथ उसकी पत्नी हुमा और एक 1.5 साल का बेटा है। हुमा के 2 बेटे और जो पहले पति से बताए जा रहे हैं। अजमेर की खुफिया एजेंसी जिला पुलिस और DSP की संयुक्त पूछताछ में सामने आया कि पुनीत स्टेट कंट्रोल रूम में कॉल और ईमेल करके सुरक्षा प्राप्त करते आ रहा है। वो कॉल करके कहता था कि दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर आ रहे हैं जिन्हें MHA की ओर से वाई सिक्योरिटी मिली हुई है, यात्रा का अरेंजमेंट करें। संबंधित पुलिस ने बगैर वेरीफाई के सुरक्षा मुहैया करा दी। अजमेर पहुंचने पर पुनीत 4 जिलों से गुजरा। स्टेट कंट्रोल रूम से चारों जिला मुख्यालय पर पुलिस को सुरक्षा मुहैया करवाने के निर्देश थे, इसलिए किसी ने भी वेरीफाई नहीं किया। अजमेर में पुनीत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 7 मार्च को पहुंचा था। 3 दिन से पायलट वाहन व सशस्त्र सुरक्षा गार्ड के साथ 3 दिनों से घूम रहा था। जिला पुलिस को जो पत्र पुनीत ने मेल किया इसमें 7 मार्च को सुबह 10:15 बजे मुंबई से राजस्थान स्टेट बॉर्डर पहुंचने का समय बताया गया है। MH 46 AJ 5151 नंबर की लग्जरी कार का चालक सैयद सिद्दीकी यूसुफ खान पाया गया है। दोपहर 2:30 बजे मानसिंह पैलेस और अजमेर शरीफ जियारत करने का समय रात्रि विश्राम होटल मानसिंह में करने की जानकारी दी गई। इसी तरह 8 मार्च को स्थानीय लोगों से मुलाकात और फिर से दरगाह जियारत की जानकारी है, जबकि 9 मार्च को फिर से दरगाह जियारत का समय दिया गया है। 10 मार्च को पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर और शाम को दरगाह जियारत, 11 मार्च व 12 मार्च को भी दरगाह जियारत और 13 मार्च को अजमेर से सड़क मार्ग मुंबई रवानगी की जानकारी दी गई। इस खबर में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।